पे बहुत सारे प्रैंक्स खेले गए थे, मैं थक गई थी। जो ऑस्ट्रेलियन क्रू थी उनके थ्रू क्लॉक्स लगवाए थे ट्रैफिक के नीचे, एक एक घंटे के बीच चेक किया था। मैं जर्नलिस्ट से बात कर रही थी और मैंने उनसे कहा कि मैं प्ले देखने गई थी, उसके साथ गई थी। उन्होंने फिर कहा कि दोस्त का नाम एस से तो शुरू नहीं होता। मैंने कहा दोस्त का नाम एस से ही शुरू होता है, पर वो नहीं है जिसे आप समझ रहे हैं। और छप गया पेपरों में कि मैं गई थी प्ले देखने किसी एस के साथ। ओके मैं क्या आपको इतनी एक्चुअली उन्होंने मुझसे क्लैरिफाई भी की कि अननेसेसरी कंपेयर नहीं करना चाहती, पर ज्यादातर जो तो सिचुएशन होता है थ्रिलर होता है, बहुत कम ऐसी फिल्में बनती है जिनको देख के आपको खुशी महसूस होगी, जिनको देख के आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें आएंगी। नहीं आई थिंक क्योंकि मैंने आरजे का रोल पहले निभाया है तो ये मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। आई डोंट गेट फ्लस्टर्ड, इनसे मजा आ रहा था। हाल ही में मैंने दिल्ली में भी ये किया तो यू नो कभी कभार ये करते रहना, आई क्वाइट एंजॉय इट, आई लव द रेंज। कभी कभी बहुत डिप्रेशन होती है जब घर से बाहर निकल के काम पे जाना पड़ता है एंड यू जस्ट वॉन्ट टू यू नो बी इन बेड अंडर द डुवे एंड जस्ट चिल। नहीं तो आई एंजॉय द रेंज, खिड़की से बाहर देख के चाय पीना, कभी कभार पकोड़े खाना। ये सब बहुत अच्छा लगता है। एक अच्छी फिल्म भी चल रही होगी और सबके साथ गप्पे लड़ाते हुए अगर आप घर पे ही बैठे हैं तो ज्यादा मजा आए। और फिर ड्राइव पे भी जाना बहुत अच्छा लगता है बारिश में, बहुत सारी मेमोरीज हैं। हम भीगने जाया करते थे हमेशा, कुछ दोस्त थे आसपास में, बड़ा इवेंट हुआ करता था कि अच्छा हफ्ते भर आप भीग नहीं सकते क्योंकि स्कूल होती थी, तो सैटरडे के दिन स्कूल से लौट के हम लोग यू नो एक्साइट हो जाते थे कि बारिश हो रही है, तो फिर अगले दिन छुट्टी है तो हमारी मम्मी कुछ कहती नहीं, तो सैटरडे शाम को हम लोग भीगते थे और फिर बहुत मजा आता, वो छोटे छोटे बोट के साथ खेलते और स्टूपिड थिंग्स वी डन, बट उसमें बहुत बहुत मजा आया। आप भी जानती हैं फ्रूट आम भी फ्रूट है और एप्पल भी फ्रूट है, अगर आप कैसे पूछेंगे तो कैसे चलेगा। परिणीता यू नो एक पीरियड और एक जरा मैच्योर लव स्टोरी थी, ये लव स्टोरी है पर एक बहुत ही लाइट हार्टेड और सिंपल लव स्टोरी है एंड इट्स वेरी यूथफुल, एग्जूबरेंट, वाइब्रेंट, ऑल ऑफ इट। तो एंड उसके अलावा मैं कुछ यू नो इट्स नॉट जस्ट अ लव स्टोरी ऑल्सो, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट इट। ये किरदार मेरे लिए डिफरेंट है बिकॉज यू नो मेरी फर्स्ट फिल्म से लेके अब तक मैं काफी इमोशनली मैच्योर रोल्स प्ले करती आ रही हूँ और इसमें चुलबुली एक बहुत ही हंसी खुशी मजाक वाली लड़की का किरदार निभा रही हूँ और जो कि बहुत उसको यू नो लगता है कि दुनिया में सब कुछ ब्लैक और व्हाइट है, उसके बीच कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल सी है, इनोसेंट सी है पर बहुत स्ट्रांग है। तो मेरे ख्याल से एक इतनी लाइट हार्टेड, इतना एक लाइट हार्टेड कैरेक्टर मैंने अभी तक नहीं निभाया। मेरे ख्याल से यू नो वी बोथ वर सिंगल और देयर वाज अ गुड इक्वेशन ऑन द सेट, तो हंसी मजाक चल रहा था तो शायद लोगों को लगा कि दो और दो जोड़ के पांच हो सकता है, तो इस वजह से आई थिंक वी गॉट लिंक्ड।